महंगाई के मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। देश में एक बार फिर से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च यानी आज से घरेलू सिलेंडर्स की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 794 से बढ़कर 819 रुपए हो गई है। इससे पहले 25 फरवरी को LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ था। इधर कोलकाता में सब्सिडी और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमत 845.50 रुपए हो गई, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए का इजाफा हुआ। बता दें कि देश में 1 दिसंबर से लेकर अब तक रसोई गैस सिलेंडर 225 रुपए महंगा हुआ। 1 दिसंबर को रसोई गैस की कीमतें 594 से बढ़कर 644 हुई। इसके बाद 1 जनवरी को 644 से बढ़कर 694 हुई, फिर 4 फरवरी को 694 से बढ़कर 719 हुई और फिर 15 फरवरी को 719 से 769। इसके बाद 25 फरवरी को कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई और नई कीमत 794 रुपए हुई। अब 1 मार्च को गैस सिलेंडर में 25 रुपए की फिर से बढ़ोतरी हुई और मौजूदा कीमत 819 रुपए है। बढ़ी हुई कीमत के साथ चेन्नई में गैस सिलेंडर की कीमत 835 हो गई है। बात की जाए 19 किलो वाले सिलेंडर की तो दिल्ली में अब इसकी कीमत 1614 रुपए हो गई है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।